सितंबर को कमरे वाला भगवान की हत्या की गई थी जब वो अपने जा रहे थे। दुर्घटना के अनावरण के लिए एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा चार टीमों को अलग अलग टास्क लेकर लगाया गया था, जिसमें से सभी टीमों के द्वारा अपने दायित्व को तत्परतापूर्वक संपादित करते हुए ये उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है और उक्त घटना में शामिल शूटरों को गिरफ्तार किया गया। एसओजी रुड़की की टीम और गंगनहर कोतवाली की टीम को लगातार अनथक प्रयासों के बाद ये सफलता। एसएसपी हरिद्वार महोदय के द्वारा चार टीमों का गठन कर उनकी प्रॉपर टास्किंग की गई थी। एसओजी रुड़की की टीम और गंगनहर कोतवाली की टीम के द्वारा अल्टीमेट कोऑर्डिनेशन का मुजाहिरा करते हुए इस पूरे हत्या की जटिल गुत्थी को सुलझाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है और आज उस हत्या के घटनाक्रम में संलिप्त तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों अभियुक्तों में से एक जो शूटर है, मुख्य शूटर है नईम, उसी ने इस घटनाक्रम में हत्या के लिए फायर करने की घटना को अंजाम दिया था और अन्य लोग जो उस पूरे घटनाक्रम से बिल्कुल क्लोजली निटेड और अटैच्ड थे, उन सब की भूमिका का एक एक करके अनावरण किया गया है। इसमें मुख्य रूप से सूत्रधार आबिद और आसिक, जिनकी की कमरे आलम प्रधान के साथ 2010 से ही लगातार रंजिश चली आ रही है और इस पूरे घटनाक्रम में ये तीसरी हत्या है जो इन तीनों के बीच की रंजिश का परिणाम है। आबिद और आसिक ने ही इस पूरे घटनाक्रम की रूपरेखा रची। आबिद 2010 में मुजम्मिल की हत्या के सिलसिले में जेल में बंद था। उस दौरान उसकी मुलाकात वसीम नाम के एक अभियुक्त से हुई जो ट्रक लूट के मामले में उसी दौरान जेल में बंद था। इनके बीच अपने भाई की हत्या को लेकर बदला लेने की डील हुई और जमानत पर 4 महीने पहले ये छूटा था। उसके बाद इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से और षड्यंत्रबद्ध तरीके से अंजाम दिया। सर कितनी सुपारी देकर ये इस पूरे घटनाक्रम के लिए उद्घाटित हुआ है कि 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और जिसमें से 1 लाख रुपए एडवांस और 9 लाख रुपए घटना के बाद दिए जाने थे। कितने लोग से गिरफ्तार, कितने फिर? तीन अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं अभी, एक और मुख्य अभियुक्त वसीम, आबिद, आशिक, मुनीर, फरहान, इन सब की गिरफ्तारी होनी शेष है। उल्लेखनीय है कि जो मुख्य सूत्रधार आशिक है वो जामिया से बीटेक का स्टूडेंट रहा है और उसके लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है पुलिस के द्वारा। कोई आपराधिक इतिहास है इनका? इसमें से वसीम के विरुद्ध 30 से अधिक हत्या, लूट और डकैती के मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में वो विगत दिनों घायल भी हुआ था और उसके दोनों टांगों में गोली लगी थी। नईम जो अभी गिरफ्तार है उसके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक मामले पंजीकृत हैं जिसमें हत्या का प्रयास, हत्या, लूट आदि सभी तरह के मामले दर्ज हैं। क्या क्या मिले सर? इसमें एसएसपी हरिद्वार सर की ओर से पुलिस टीम को 2500 रुपये का नकद पुरस्कार और आईजी गढ़वाल रेंज महोदय की ओर से 5000 रुपये का नकद पुरस्कार।